कब से आपका फोन बज रहा है? मैंने आंसर किया, कोई बोल ही नहीं रहा। थैंक्स बेटा। पांडे, तुमसे कहा था ना फोन मत करना, और कहाँ हो तुम? अभी तक यहाँ पहुंचे क्यों नहीं? काम आज ही खत्म करना होगा, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो पांडे? सब कुछ ठीक है, आपका काम तो हो गया आंटी। सामने आपकी असलियत बाहर आ जाएगी। यहाँ जब पुलिस आएगी, वो सबके सामने आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी, तब तो आपकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। ऐसा मत करो बेटा, प्लीज। क्यों? ये करने से पहले आपने क्यों नहीं सोचा? आप जानते हैं, वो आपकी वजह से मैंने अपनी मॉम पे शक किया, क्योंकि आपने सब
क्यों? क्या करती मैं? छोड़ देती उस कृपा को जिसने जिसने हमारे बच्चों के बीच करारे पैदा कर दी, पृथ्वी का दिल तोड़ दिया, और तो और निश्चित से भी तुम्हें छीन लिया। माँ हूँ मैं, अपने बच्चों को इस तरह दुखी नहीं देख सकती मैं। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, जज्बाती होकर मैंने ये सब एक गलत सलत काम कर दिया। बहुत तकलीफ देखी मैंने अपने बच्चों के चेहरे पर, बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब हम क्या कहेंगे जब आपकी इस जलील हरकत का पता आपके बच्चों को चलेगा? पृथ्वी को जब पता चलेगा कि उसकी उसकी अपनी मां ने उसके प्यार को मारना चाहा तो उसके दिल में क्या बीतेगी? और मिश्री क्या बोलेगी आपको? अच्छा किया मॉम, बड़ा अच्छा तरीका है बदला लेने का। अगर प्लीज ऐसा मत करना, बहुत बहुत बुरा वक्त देखा है उन दोनों ने, बहुत तकलीफें उठाई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें और तकलीफ पहुंचे। प्लीज। तो आप क्या चाहती है? मैं आपके इस गुनाह को गलती समझ के भूल जाऊं? मैं ऐसा कैसे मानूं कि आप ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगी? अंकल मैं वादा करती हूँ, आई प्रॉमिस कि मैं कृपा को दोबारा कभी हर्ट नहीं करूंगी, बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी उसे। मैं पृथ्वी और मिष्टी को मालूम पड़ा तो दिल टूट जाएगा उनका। बेटे मेरे लिए ना सही बेटा, कम से कम उनके लिए तो चुप रह सकते हो ना। तो प्लीज बेटा मेरे बच्चे को मत बताओ। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अब की बार अगर आपने कृपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अंगद, तुम इस तरह मेरी माँ से क्यों बात कर रहे हो? I'm sorry, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग? अंगद, आई थिंक यू शुड लीव। प्लीज चल जाओ यहाँ से। हाँ अंगद, तुम प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ। आज घर में पूजा है और मैं यहाँ कोई झगड़ा नहीं चाहती। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। छोड़ दूं मतलब? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ वापस मॉम की मदद करने आऊंगा, इसलिए मैं घर भी देर से ही आऊंगा। चलो। तुम मुझसे नाराज हो ना पृथ्वी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने देखा था तुम्हारा मन पूजा में भी नहीं लग रहा था, तो बहुत परेशान दिख रहे थे। It's okay, Kripa. It's okay. It's not okay, Prithvi. मैं जानती हूँ ना, अनजाने में भी मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, हमेशा तुम्हें तकलीफ देती रही हूँ। कृपा तुम गलत समझ रही हो। देखो, मैंने जो कुछ भी किया वो अपने प्यार की खातिर किया, और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उनकी छोटी सी चाहत पूरी करने में हमें बहुत खुशी मिलती है। यहां तक कि आज मैं इसीलिए चुप रहा क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं अंगद को दोबारा स्टार बनाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम चाहे जो कुछ भी कह लो पृथ्वी, लेकिन मैं जानती हूं आज तुम क्यों चुप थे। पृथ्वी, मैं अब तुम्हारी और मदद नहीं चाहती। कि तुम क्या कह रही हो? हाँ पृथ्वी, मैं नहीं चाहती कि तुम अंगद की और कोई मदद करो। देखो कृपा, मैंने तुमसे वादा किया है कि अंगद की कामयाबी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा होगा, और
ये तोहफा मैं तुम्हें देकर ही आऊंगा पृथ्वी। लेकिन 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 कुछ नहीं कृपा, क्योंकि मैं तुम्हें ये तोहफा तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए देना चाहता हूँ, ताकि हम अपनी जिंदगी की शुरुआत पुरानी यादों के बोझ के बिना कर सके। I love you, Kripa. I love you with all my heart. पृथ्वी, तुम अभी तक यहीं हो बेटे? हाँ माँ, सारा काम निपटाना है ना, इसलिए सोचा आपकी हेल्प कर दूँ। कृपा कहाँ है? कृपा थक गई थी इसलिए घर पे छोड़ के आया हूँ। कुछ परेशान हो बेटे? नहीं माँ, कुछ नहीं। कृपा की बात को लेकर परेशान हो बेटे, मैं जानती हूँ कि कृपा ने तुमसे अंगद के लिए जो मदद मांगी है वो देना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। आपको कैसे पता? I'm sorry बेटा, मैंने सुन लिया था। बेटे मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बेटे आज जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना, कहीं ऐसा ना हो कि अंगद की भराई करते करते तुम अपना नुकसान कर बैठो। मैं डरती हूँ कि कहीं तुम अपने आप को दोबारा हर्ट ना करो, जैसे कि एक बार पहले भी हर्ट हो चुके हो कृपा की वजह से। मैं जानता हूँ मामा, आपकी मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए ऐसा कुछ नहीं होगा। कृपा अंगद की मदद इसलिए करना चाहती है क्योंकि अंगद ने कृपा का करियर बनाने के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, और अगर इस वक्त वो ये नहीं कर पाई वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। माँ माँ, मैं नहीं चाहता कि कृपा किसी तरह का गिल्ट लेकर मेरी जिंदगी में आए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जब वो मेरे साथ अपनी जिंदगी जिए तो सब कुछ भुला कर जिए। मुझे आपके साथ काम करने में बहुत खुशी होगी। बताइए शो कब है? जैसे ही डेट फिक्स हो जाती है मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। I'm sorry. अंगद, come on, sit down, man. Hey, it's okay. मैं अंदर के रूम में बैठ जाऊँ। Dude, यहाँ से कोई भी काम की बात नहीं हो रही जो तुम नहीं सुन सकते, okay? Come on, वैसे भी तुम कौन सा मेरा शो छीनने वाले हो? छीन लिया तो? Dude, दोस्तों के बीच में शो क्या है? जान भी हाजिर है। Come on, sit down. I know, thanks. But still, मैं पीछे वाले कमरे में बैठता हूँ। It's okay. You sure? Yeah, I'm sure, man. All right, man. तो वे अंगद यहाँ पर कैसे? वो मेरा दोस्त है इसलिए। क्यों? ओ, मुझे पता नहीं था। वैसे उसके हालात बहुत खराब चल रहे हैं। उसके कैरियर में उसे कहाँ से कहाँ ला दिया है कुछ पता ही नहीं है। बड़ी अजीब है हमारी इंडस्ट्री। जानता हूँ। लेकिन ये स्टार, and I'm sure he'll never stop shining. हम कहाँ जा रहे हैं? बस एक मिनट कृपा, पहुँचने वाले। मुझे बताओ ना हम कहाँ हैं? Okay, relax. Ready? हाँ। ये तुम्हारा ऑफिस। मेरा ऑफिस? हाँ, तुम्हारा ऑफिस। आई मीन हमारा ऑफिस। पृथ्वी, ये वाकई हमारा ऑफिस है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? पृथ्वी बेटे, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मॉम, आइए, ये हमारा नया ऑफिस है और ये कृपा का कैबिन। ओह माय गॉड पृथ्वी, क्या क्या करोगे इसके लिए? तुम नहीं जानते लेकिन मुझे पता है कि ये लड़की एक ना एक दिन तुम्हें जरूर हर्ट करेगी। हेलो, हाँ जी, मैं पृथ्वी बोल रहा हूँ।
आंटी कैसा लगा आपको ये ऑफिस? बहुत अच्छा है आंटी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी खुद का ऑफिस होगा। आज मैं बहुत खुश हूँ और ये सब कुछ आप ही की वजह से है। थैंक्स सो मच आंटी। मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि ये सारी खुशियाँ तुम्हें पृथ्वी ने दी है। उसे कभी हर्ट मत करना।